हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री के मींस यूनिट वन के सेकंड पार्ट में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं लैम्बर्ट्स बियर लॉ। एक्चुअली ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है लैम्बर्ट्स लॉ और दूसरा है बियर्स लॉ। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। किसके लिए अप्लीकेबल है? सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। स्टेटमेंट ऐसा है इसका कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विथ थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन, बराबर मीन्स डिक्रीज इन इंटेंसिटी विथ थिकनेस ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ओके, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, एक है कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा है इंटेंसिटी। इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर क्या है। तो अपन ने अभी बोला कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द सोल्यूशन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिखता हूँ माइनस डी आई बाई डी एक्स मीन्स डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन। देयरफॉर आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज होना। क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज होना। इक्वेशन नंबर वन नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको। सो माइनस ऑफ डी आई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू अल्फा आई सी। या मैं इसको थोड़ा सा सेट करके लिखता हूँ सो डेट आई विल इंटीग्रेट इट। माइनस ऑफ डी आई अपॉन आई विल बी इक्वल टू अल्फा सी और ये डी एक्स को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है ना। ये इक्वेशन के अंदर अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। एट दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, स्क्रीन पर देखो ध्यान से, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट और इसको मोलार एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मोलार एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एक्स जो है यहाँ पर वो थिकनेस है और आई क्या है? इंटेंसिटी है। होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, सो अल्फा इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट और मोलार एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। डेरिवेशन में अभी तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर। ये जो इक्वेशन लिखी है अपने लास्ट पेज पर, डेट इज द माइनस ऑफ डी आई बाय आई विल बी इक्वल्स टू अल्फा आई अल्फा सी सॉरी इंटू डी एक्स। ये काम करते हैं, इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। याद रखना है मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा है कि जब तुम बहुत छोटी वैल्यू को बड़ी बनाना चाहते हो तो तुम उसको इंटीग्रेट कर दो। डी आई मतलब इंटेंसिटी का बहुत ही छोटा भाग, बराबर। तो अपन अगर इसको कंप्लीट इंटेंसिटी बताना चाहते हो तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो कर दिया मैंने इंटीग्रेट इसको, इक्वेशन को। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाय आई विल बी इक्वल टू अल्फा सी, कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर रख रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी एक्स। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन डी आई बाय आई मतलब एल एन, एल एन मतलब लॉग टू द बेस ई। और यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन की वैल्यूज रख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में आई जीरो से आई मतलब इनिशियल इंटेंसिटी आई जीरो और फाइनल इंटेंसिटी आई। सिमिलरली थिकनेस, इनिशियल थिकनेस जीरो और फाइनल थिकनेस एक्स, वो जो थिकनेस है ना, ठीक है ना, थिकनेस जिसको अपन मीडियम की थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो थिकनेस है उसको एक्स बोल रहा है यहाँ पर। मैं इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्वेशन को कुछ नाम भी दे सकता, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपन एक्स बराबर रहता है एल एन एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी आई अपन आई विल बी इक्वल्स टू एल एन आई। अब तुम चाहे तो यहाँ पर इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, एल एन आई अपन आई जीरो विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये माइनस साइन को मैं लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, अल्फा सी एक्स। और यहाँ से अगर मैं एल एन को हटाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा हटा सकता है कि एल एन हटा दो यहाँ से, ये हो जाएगा आई अपॉन आई जीरो विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर, मतलब ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है क्योंकि जब लॉग को हटाते या लॉग का रिवर्स लेते तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाता। तो आई अपॉन आई जीरो विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा सी एक्स। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऊपर की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर स्टार नाम दे रहा हूँ, फिर इक्वेशन नंबर स्टार लिखता हूँ मैं आपके सामने स्क्रीन पर, देखो ध्यान से। इक्वेशन ऐसी थी अपनी माइनस ऑफ एल एन, ये मैं यहाँ पर डबल क्यू लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे लैम्बर्ट्स बियर लॉ का एक दूसरा फॉर्म चाहिए। तो माइनस ही इक्वेशन मैंने जैसे वैसे लिखा यहाँ पर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको एल एन लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू रखता हूँ, बराबर है। तो ये हो जाएगा एल एन आई अपन आई जीरो विल बी इक्वल्स टू अल्फा सी एक्स। अब यहाँ पर मैं ये नेगेटिव साइन को हटाना चाहता हूँ तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उल्टा हो जाएगा, मतलब आई अपन आई जीरो कैसा हो जाएगा, आई जीरो अपन आई। ये लॉगरिथम का एक रूल है, बराबर है। लॉगरिथम क्या रूल है कि अगर तुम नेगेटिव लगाते तो क्या हो जाता, लॉग एक्स अपन वाई हो जाता माइनस ऑफ लॉग वाई बाय एक्स। इसको तुम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ। तो ये जो इससे पहले देखे अपने वो भी इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म था, ठीक है ना। इक्वेशन लास्ट वाली उसको कंटिन्यू करते हैं, इक्वेशन नंबर चार। कहीं पर अगर कुछ भी नहीं समझे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब मुझे ये लॉग जो है ना वो लॉग
एक्चुअली कैसा रहता, लॉक टू द बेस ई रहता, लेकिन मुझे लॉक टू द बेस 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पता है कि इसको इक्वेशन को 2.303 से लेफ्ट हैंड साइड को लॉगरिथम को 2.303 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये आप लोगों ने देखा है 12th क्लास से कंसेप्ट चलते आ रहा है कि इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट लॉक टू द बेस ई इंटू लॉक टू द बेस 10, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको 2.303 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ 2.303 को, ओके okay? और ये कांस्टेंट बता देता हूं मैं, अल्फा अपॉन 2.303 विल बी इक्वल्स टू इप्सिलॉन, क्या है इप्सिलॉन कंसीडर करता हूं मैं यहां पर इसको, मतलब इप्सिलॉन क्या है, इप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2.303। अब ये जो वैल्यू है लॉग टू द बेस 10 आई 0 अपॉन आई, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंस, क्या कहते हैं इसको, एब्जॉर्बेंस। तो दैट इज द फाइनल डेरिवेशन, एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल्स टू इप्सिलॉन सी एक्स, क्या है ये, एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल्स टू इप्सिलॉन सी एक्स। तो ये एक डेरिवेशन था। अब ये जो इक्वेशन है, एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल्स टू इप्सिलॉन सी एक्स, दैट इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ लैम्बर्ट्स बियर लॉ। तो अगर ये इक्वेशन के अंदर तुम सी की और एक्स की वैल्यू को वन रखते, क्या रखते, सी की मींस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को और लेंथ को, लेंथ या जिसको अपन थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं, इफ थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1, मतलब क्या, मोल पर डीएम क्यूब वगैरह में एक्सप्रेस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, या मोलार जिसको अपन कहते हैं, तो मोल पर लीटर में मोलारिटी, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड एज दैट इक्वेशन। अब इक्वेशन के अंदर सी और एक्स की वैल्यू एक है, तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन। मतलब तुम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं, क्या मतलब होगा कि दैट इज कॉल्ड एज मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, एंड मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू एब्जॉर्बेंस, अगर थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन एक रहा तो, बराबर है, अगर थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन एक रहा तो एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन। देयरफॉर तुम ऐसा बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हुज, क्या बोल सकते हो तुम, एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज 1 mole per dm³ एज वेल एज उसकी जो थिकनेस है, एज वेल एज थिकनेस विल बी 1 सेंटीमीटर, डेट इज कॉल्ड एज मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। मतलब तुम मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन कर सकते, इट इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज 1 mole per dm³ एंड हुज थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा डेरिवेशन, और लेक्चर अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर लेक्चर में कोई भी डाउट गया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।